बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है एंड लुक एट दिस रेस्टोरेंट, हम चलेंगे इसके अंदर आज के दिन. ओपन टेरेस बोलते हैं, ओपन टेरेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेरेस पे ओपन हम फूड खा भी सकते हैं. तो ये आपको मैं लोकेशन बता दूं कहाँ पर है. आप हलवासिया जानते हैं ना, हज़रतगंज, हज़रतगंज के एक्सिस बैंक देख सकते हैं आप सामने हैं एंड यहाँ पर आपको आना होगा. पर आपकी दोस्ती इतनी अच्छी है क्योंकि आपकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर मैं जा पाता हूँ क्योंकि आपको वीडियो दिखाना होता है मुझे. सो दैट्स व्हाई वहाँ मैं पहुँचता हूँ और आप ही की वजह से खाने को भी मिल जाता है मुझे. हाँ बस बात इतनी ख़राब है कि मुझे अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं. आज हम जा रहे हैं ओपन टेरेस, चलते हैं यहाँ पर, लुक एट द सीन एंड ऑल दैट कैसा क्या है और आपको फिर मैं बताता हूँ. लोकेशन बहुत अच्छा है, टूर पर है तो हम चार कहाँ लिखा हुआ है यहाँ दिस वक्त. हम जाएंगे फोर्थ फ्लोर पर, घबरा रहे हैं बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट है, बच्चे बिल्कुल लाल हो गए, घबराहट से लाल हो गया, मेरे बहुत पैसा खर्च होने वाला है. तरीके से हमें एक ड्रिंक मिलता है जो हम ले सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से. लुक एट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आप क्या लेना चाहते हो. सो ये लाइक ऑप्शनल होता है, मतलब आप उसके ऐड होता है. एंड ये हमने हमारा ड्रिंक लिया हुआ है, दिस इज आवर ड्रिंक. सो जब आप पहली बार, तुम खा लो यार, तुम ड्रिंक तो लो. एक्चुअली जब आप पहली बार यहाँ आते हैं ना तो आप इतना कन्फ्यूज़ हो गए इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जब मैं पहली बार आया, आई विजिट मैनी रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ पर आते ना लोगों को हुजूम इतना है कि आप कंफ्यूज हो गए थोड़े से कि मैं करूँ क्या. लेकिन मैं आपको आज सारी चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि आप अगर नेक्स्ट टाइम और पहली बार अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ. सबसे पहले बता दूँ कि ओपन टेरेस्ट आपको यहाँ पर आना है, हॉलवासिया के ऑपोजिट साइड पर आना है. एंड यहाँ पर आएंगे आपको फोर्थ फ्लोर पर आता है, मतलब ये रेस्टोरेंट आता है. एंड ओपन टेरेस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुला हुआ है, एक ऐसे आसमान नज़र आएगा. अच्छा, रात के टाइम यहाँ बैठकर खाने का जो मज़ा है वो सबसे बेस्ट वाला है. फिलहाल जब आप यहाँ पर आएंगे, मैं प्राइस भी आपको सारी बताने वाला हूँ, लेकिन स्टार्टर के रूप में आप पहले ड्रिंक्स ले सकते हैं. अगर आप स्नैक्स वगैरह स्टार्टर अगर आप खाना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ मिलता है. सो वो ऑप्शनल है, अलग टाइप, मतलब अलग है, जैसे पास्ता है, पानी पूरी, टिक्की, ये सब वगैरह है. इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन तो वो भी सारी इंतज़ाम किए जाते हैं. तो हमने एक ड्रिंक ले लिया है एंड दिस इज़ माई ऑरेंज जूस एंड आई ऑलवेज लव जूस. तो पी के भी देखते हैं कैसा है. जूस इज़ वेरी नाइस. और खाने को मैं आप दिखाता हूँ स्टार्टर के रूप में मेरे पास क्या खाने. एज अ स्टार्टर जो हमारे पास फूड आया है वो ये है एंड ये फ्राइड कुछ है यहाँ पर. एंड दिस इज़ कबाब, लुक एट दिस, दिस इज़ कबाब. और ये लड्डू नहीं है, इसको गोल गोल समझ कर लड्डू बिल्कुल मत समझना. एंड एक चीज़ हमारे पास और भी है ये, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. सारे लवाजमात आपके जो टेबल पर आ गए हैं, चिकन लवाजमात कुछ बोला गया है. एंड दिस इज़ फ्राइड चिकन इज हियर. एंड ये भी स्टार्टर के रूप में है, खाने की तो बात छोड़ ही दीजिए आप. और ये पिज़्ज़ा है या क्या है मुझे नहीं पता, बट यार है बहुत ऑसम सारी चीज़. टेस्ट बहुत अच्छा है. इतनी सारी चीज़ें हमारी टेबल पे हैं, देखिए भरी हुई हैं. और ले लो यार, एक तो ऐसे इंसान के साथ है जो खाते कम है. और ये फिश है, और ये फिश खाकर देखते हैं हम कैसा है. बहुत अच्छे से फ्राई है यार. और ये जो अभी आप फूड आप देख रहे हो ना, दे आर स्टार्टर और बिल्कुल इसमें जो जब ना फिश में कांटे होते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं है. बहुत असल है, एक सेन जुवान करके वो नाम मुझे बिल्कुल ही, अगर कैमरा में इधर पॉइंट आउट करूँ, इस पर थोड़ा कैमरा दिखाना, इस पर इधर इधर दिखाना. और ये बहुत अच्छी, मतलब सेजवान नाम. मैं थोड़ा सा लेकर इसका टेस्ट देखने की कोशिश करूँगा ये कैसा है. एक चीज़ मैंने अपने टेबल पे लिया है और अब मैं आपके सामने इसका देखूंगा टेस्ट कैसा है. एक्चुअली दिस इज़ अ चिकन, इट्स अ वेरी नाइस ऑप्शन भी यहाँ पर आप देख लोगे. अगर यहाँ पर इतनी खूबसूरत है, इसका भी बाइट मैं थोड़ा सा आपके सामने लेकर देखूंगा कैसा. अब ये पिज़्ज़ा मैं देखता हूँ खाकर कैसा है और लेट्स सी द टेस्ट ऑफ द पिज़्ज़ा. वेरी क्रिस्पी, इट्स वेरी नाइस, बहुत बहुत डिलीशियस है यार. सबसे बेस्ट मुझे अगर स्टार्टर का कोई चीज़ लगा ना वो थी चिकन. चिकन यार बहुत टेस्ट.
ले लो तुम भी, बड़े छोटे प्लेट हैं, क्वांटिटी बहुत कम आएगी खाने की इसमें। और यहाँ से स्पून लेना होगा शायद, ये स्पून यहाँ पे ले लो यार। अभी क्या सीन है, यहाँ से रोटियाँ लेना है। पुलाव है, थोड़े थोड़े सारी चीज़ें लेते हैं। व्हाट इज दिस, इतना वजन इनके ढक्कन में, 10 किलो का तो ढक्कन ही होगा। अबे लो यार तुम, थोड़े से लो, घबरा तो ऐसे रहे हो। ले लो हाँ, थोड़े से मेरे हाँ, अरे एक चम्मच और डालो, इतने से मेरे थोड़े ना कुछ होगा। लगे होते हैं यार जहाँ पे आप देख के ले सकते। हम लोग बहुत कंफ्यूज है, यहाँ पे वेज का हिस्सा यहाँ पर है, वेजिटेरियंस यहाँ पर चीज़ें मिल रही होती हैं, और यहाँ पर नॉन वेज का है। तो अभी नॉन वेज में देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। माई गॉड, वेज वाले में हमने लिया है मटन, और ये क्या चीज़ है, चिकन ही क्या, ये लिख लेते हैं यार, मटन ही होगा, मटन की पीस है, ले लो ना, चिकन लग रहा है, चिकन है, चिकन, दिस इज चिकन, दिस इज चिकन। तो यहाँ पर ये पूरा जो है इनका हिस्सा है, ये है नॉन वेज, जो भी सैलड में चाहिए सैलड ले सकते, सैलड है, सैलड है यहाँ पर, पापड़ भी है, ले लो थोड़ा सा, देखना थोड़े से बस, अंदर अचार वचार है, अचार अचार कौन चाहिए, पापड़ ले लो, मुझे पापड़ चाहिए, पापड़ ले लेना, दिस इज पापड़। फिर जो अभी फिर खाने का दिल होगा तो हम आएंगे फिर खाएंगे। और ये है फाइनली यहाँ का जगह, यहाँ पे देख लो फूड, और हमने जहाँ पे टेबल लिया है हमको अपने ही टेबल पे जाना पड़ेगा। और अब देखते हैं इसको खाकर, सारी चीज़ें देख लें। प्लेट हमारी यहाँ पर छोटी सी प्लेट है, अब छोटी सी प्लेट में हम क्या क्या भर लेते हैं, लेकिन जितना हो सकता है, आई एम अ मटन लवर, तो बनावट मटन की बहुत अच्छी है, और जितना हो सकता था वो मैंने भरने की कोशिश की। स्वाद के मामले में रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है यार। मैंने करीब 2 दिन का खाना आज इकट्ठे ही खा लिया, क्योंकि मैंने सोचा बुफे है तो बुफे में डूब जाओ, और जितना आपका भूख है, मेरे साथ वाला तो एक मनहूस मारा, उसने कुछ खाया नहीं, उसके प्लेट दे सकते तो वैसे ही छूटा हुआ। सो मैंने सोचा कि बस बुफे का पूरी तरीके से लुत्फ हम लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे कि बारबेक्यू नेशन है, बहुत सारे पीपल वहाँ जाते हैं, लेकिन यार उससे कई गुना ये अच्छा है, स्वाद के मामले में इतना बेस्ट है ये, हर चीज़ आपको इतनी औसम यहाँ की टेस्ट लगेगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे जो ड्रिंक्स आपको मिल रहे हैं जो फ्री है, मैं कहूँगा उसी के अंदर इंक्लूड होता है। वैसे यहाँ आप आएंगे, क्या खर्चा क्या है आपका, वो सारी कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। फिलहाल यहाँ मैंने अभी खाने के बारे में आपसे बात की, खाना बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, और बहुत वैरायटी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप वेजिटेरियन खाते हैं तो उसकी ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे हैं। नॉनवेज है तो लाजमी है, चिकन, फिश, मटन, जितनी भी वो वैरायटी नॉनवेज की होती है वो सब कुछ यहाँ मिल रहा है खाने के लिए, और सब कुछ बड़ा अच्छा था यहाँ पर। और मैं तो आपसे कहूँगा, अगर आपको ओपन टेरेस आना है किसी दिन ना, तो आप एक दिन पहले खाना छोड़ दो यार, खूब खाना यहाँ पर आज बहुत मस्त वाला है। फिलहाल आपको वीडियो आज का कैसा लगा ज़रूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या करना है, और थोड़ी सी मेहनत होती है, जेब खर्च भी हो जाता है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय। आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा है, रात के टाइम तो ये और भी अच्छा लगता होगा, इसी को बोलते हैं ओपन टेरेस, लवली, क्योंकि यहाँ से हमें पूरा वातावरण सब नज़र आ रहा है। अगर आपको आना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको नंबर आप नोट कर लें, यहाँ पर हमें बुक करना होता है, सो हम बुकिंग करेंगे तभी हम यहाँ पर आते हैं। एंड आप देख लें, हमेशा यहाँ पर बुक करके आ सकते हैं, वैसे आप वैसे भी आ सकते हैं, तो आपका वेलकम होता है। जब मैंने ये खबर सुनी कि 400 रुपये में अनलिमिटेड फूड खा लो, आई वॉज शॉक, मुझे लगा नहीं ये एक फसाना है, हकीकत तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं चलूँगा यहाँ पर, तो ओपन टेरेस ऊपर देखेंगे, एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपका भी मोस्ट एंड वेलकम है, एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं देन आपका मोस्ट एंड वेलकम है यहाँ पर। इतना ऑसम अनलिमिटेड मस्त वाले खाने यहाँ पर थे, जो 400 रुपीज़ है, 400 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, और हम अनलिमिटेड खा सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हजरतगंज में हलवासिया कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ,
आपको मैं एकदम अच्छा अच्छे तरीके से एड्रेस आपको बता रहा हूँ, ये है हलवासिया। हजरतगंज का मेट्रो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, lenskart.com देख सकते हैं, जुगल किशोर ज्वेलर्स, बस उसी के जस्ट सामने वाला बैग ब्लैक डेरी लिखा हुआ है, बस यहीं के अंदर आपको जो दिख रहा है आपको जाना है। और यहाँ पे देख ले पूमा का शोरूम है, पूमा के शोरूम से जो बगल में गली गई है आपको इसी के अंदर से जाकर आप उस रेस्टोरेंट को पा सकते हैं।